चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत की। इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि हुक्मरान इंतखाबात से भाग रहे हैं, हम उन्हें भागने नहीं देंगे। जबकि चौधरी परवेज इलाही बोले, इलेक्शन में ताखीर आइन शिकनी होगी, आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो सकती है। लाहौर से लियाकत अली रिपोर्ट करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने मुलाकात की। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, सलमान अकरम राजा और हाफिज फरहत अब्बास भी शरीक हुए। मुलाकात में सियासी सूरत हाल, आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत की गई। इमरान खान का कहना था कि आइन निगरान सेटअप गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन को 90 रोज में इलेक्शन का पाबंद बनाता है। जो आइन शिकनी का मुर्तकिब होगा, आइन में उसके खिलाफ रास्ता मौजूद है। हुक्मरान इंतखाबात से भाग रहे हैं, मगर हम इनको भागने नहीं देंगे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि वफाकी वज़रा और निगरान सेटअप ऐलानिया आइन शिकनी के इशारे दे रहे हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हुक्मरानों ने अपने केसेस में तो रिलीफ ले लिया, मगर अवाम के लिए इनके पास कोई रिलीफ नहीं।